हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं हम अपने अनदर ब्लॉग में। तो आज हम एक अच्छा नेक काम करने जा रहे हैं। हम बाजरा लिया है हमने, ये कबूतरों को डालेंगे। बेचारे कबूतर हमारे खा लें, इधर भी खा लें, आधे कबूतर जो है इस साइड पे खा लें। चलो, इतने प्यारे प्यारे कबूतर अब खाएंगे। देखो सुबह सुबह का टाइम है, हमने भी नाश्ता किया। ये लोग भी कर लेंगे नाश्ता वाश्ता, यार खा भी लेंगे, सवाब मिल जाता है यार। तो भाई ऐसे काम करते रहा करो छोटे मोटे, ताकि आपको सवाब मिलते रहा करे। सुबह उठने का दिल नहीं चाहता यार, लेकिन उठना पड़ता है सुबह ही सुबह। कराची में कद्दू नहीं उठता यार, मैं क्या उठना पड़ता मेरे को। और देखो हम कितने तमीज़दार हैं। देखो ये कचरा भी मैं हाथ में नहीं रखूँगा, ना रोड पे फेंकूँगा। देख रहे हो कितना साफ सुथरा है। अगर यही चीज़ मैं अपने कराची में करूँ, एक बात है, यही कचरा मैं डस्टबिन में जाकर फेंकूँ तो अपना कराची भी गंदा ना हो। ये तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है ना। अभी मैंने यहाँ से नाश्ता किया, ये यहाँ से रहमत, यहाँ से नाश्ता किया फुल भरपूर, अंडे वंडे पराठे वराठे पहले मैंने सही करके। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मैंने एक नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैंने नेक काम किया और क्या ही बताऊँ मैं। तो मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ इसे यार, तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँगी। देखो इन मार, ये देखो रेड हॉर्स। तो ये जिन जिन बेवड़ों को पता है उनको पता होगा ये बियर की केन का डब्बा है। हमारी बिल्डिंग में यार कालू ने घूम किया है, दे दारू पी के यकीन मन बोलो पूरी बिल्डिंग में बदबू आती है यार। हमको समझ नहीं आता ये करता क्या है। काला तो फिर काला है, अफ्रीकन तो अफ्रीकन है, हम तो तेरे पाकिस्तानी है मेरा भाई। I am Muslim, Habibi, बॉडी बिल्डर। यार बॉडी बिल्डिंग से याद आया, 1.5 महीना हो गया नट बोल्ट फूस हो गए। अब दोबारा फिर भाई को देखो फुल चश्मा वश्मा लगा कर जा रहे, सेक्सी बन के जा रहा हूँ मैं तो ऑफिस। तभी मिलते थोड़ी देर में भैया। तो भाई परिंदों के बारे में मुझे एक चीज़ पता लगी है। क्या पता लगी है वो चीज़? मुझे ये पता लगी है, मैं थोड़ी धूप हो रही है, वैसे मैंने धूप खा ली है, सुबह सुबह की धूप खाना चाहिए, मैंने थोड़ी सी धूप खा ली खड़े होकर। यार असल में 24 घंटे ऐसे ही चलता रहता है ना, तो हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं जब भी दुबई आता हूँ तो इसी वजह से थोड़ी बहुत सुबह उठ के धूप ले लेता हूँ यार। तो मुझे एक भाई ने बताया है, कैफेटेरिया वाले ने, मलबारी है भाई, उसने बताया ये ममनू है। ममनू का मतलब है जुर्म है इनको दाना पानी देना। तो यार मुझे बहुत अजीब सा लगा यार, ये तो माशाल्लाह परिंदे यार, इन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा। तो उनका कहना ये है कि भाई ये परिंदे हैं, अपना कबूतर हो गए और बिल्ली हो गई, ठीक है, ये जगह को ख़राब करते, बीट करते हैं, बिल्ली पॉटी करती है। तो यार ये इसका क्या कसूर है, जानवर है, अल्लाह की कुदरत है। तो माशाल्लाह दुबई जो है हमारे शेख को का अपना, ये शेखों की कंट्री है, मुस्लिम बन रही है, तो हम तो कबूतरों को सैयद बोलते हैं यार। और माशाल्लाह सैयदार नस्ल होती है, पाकिस्तान नस्ल होती है। हमें तो ये तक फरमाया कि इंसानों से अच्छे होते हैं ये लोग, इंसानों से पाक साफ, इंसानों से साफ सुथरे होते हैं। तो यार तो फिर इन परिंदों के साथ ऐसे क्यों है, ममनू क्यों है, मुझे नहीं पता। मैं इंशाल्लाह इस ऊपर पूछूंगा लोगों से जो यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। रहता तो मैं भी, लेकिन आना जाना करते रहते हो, अक्सर महीने में 2-3 बार आ गया पाकिस्तान से। तो मैं पूछूंगा यार, क्योंकि अभी मुझे खुद 1.5 साल हुए दुबई में, मुझे खुद इतना दुबई के कानून पता नहीं है यार। अभी देखो बेचारे कितना खुश हैं, दाना वाना खा रहे हैं भूखे थे, अभी दाना वाना दिया इनको तो कैसा। जाहिर सी बात है ना, आप भूखे को खाना दोगे पेट भरेगा, उसका सवाब मिलेगा आपको, दूसरा उसकी भूख मरेगी। तो यार खैर इतनी लंबी कर दी मैंने, लेकिन मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ तो मैंने इसलिए इस टॉपिक पर बात करी। तो ऊपर चलते हैं अभी। यो यो
नाथुर। अच्छा नाथुर किसको बोलते हैं? नाथुर कहते हैं जो जैसे यूनियन होती है, एक बिल्डिंग का इंचार्ज होता है, उसको हम लोग अरबी में बोलते हैं नाथुर। हबीबी कैफ हाल यानी कि कैसे हो, शुक्रान यानी कि शुक्रिया। भाई हमारा रूम आ गया है। छापा मारते हैं, क्या करेंगे लोग। ये है जीवन, जीवन उस्ताद सो रहे हैं, सही पापा सो रहे हैं। चलो भाई सोने देते हैं और थोड़ी देर हम लोग लेट जाते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे शाम में, क्योंकि आज है मेरी फ्लाइट, कराची जा रहा हूँ मैं दोबारा, तो मिलते हैं शाम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग हो गई यार। मैं सो गया था, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी। अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो भाई मैं बज रहे हैं शाम के 6 और 6 बजे मैं उठा हूँ। और अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कैसे हैं? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे जा। यार तू कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सब कैसे हैं? मुझे लग रहा है आपने दम वम लगाए हैं, फुल आंखों से पता लग रहा है फुल। बस यही समझो अभी तुम। और ईद कैसे तो गुजरी? ईद? हाँ यार तबीयत खराब थी। ईद कैसी गुजरी? भाई मैं ईद बहुत अच्छी गुजरी। फुल VIP पे कहाँ पे गए? मैं तो लग रहा है वो कालियों से मुंह काला करा लिया होगा तुमने तो। ये काम तुम्हारा है, तुम 20-20 रुपए दे के आता, मुझे पता। अबे है यार तोबा तोबा अस्तगफुरुल्लाह यार, इतना शरीफ लड़का हूँ मैं, और इसकी हरकतें देखो यार। यहाँ पे आता हूँ मैं मुंबई हाजी अली पर, यहाँ पे मैं शवरमा खाना खाने आता हूँ। ये क्या चीज है यार, ये क्या चीज है, कैसी मखलूक डालना नहीं है ये व्लॉग डाल। अरे तेरा दोस्त इरफान का है? इरफान तो मेरा भाई, अभी कराची में। अच्छा आएगा अभी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अच्छा यार दुबई और कराची में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा एक बताओ ना। वो तो कालो की कैटरीना कैफ जा रही है उसामा भाई की गर्लफ्रेंड, शादी आदि करा दूँ आपकी में, बताए कुछ नहीं। मेहरबानी बहुत मेहरबानी। सिग्नल बंद हो गया यार, सिग्नल खुल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, खुल जाएगा यार सिग्नल। अभी खुलवा देते सिग्नल यार भाई, सिग्नल खुलते के साथ ही ऐसा लग रहा है बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चों की छुट्टी हो गई। हाँ उसामा भाई बच्चों की छुट्टी हो गई क्या? सिग्नल खुला है ऐसा लग रहा है बच्चों की छुट्टी हो गई। असल में वर्किंग डे शुरू हो गए ना यार, है ना? वर्किंग डे वो तो नेक्स्ट डे से शुरू हो गए थे, ईद के 14 दिन से शुरू हो गए थे यार। अरे हाय रेंज रोवर खड़ी हुई है VIP भाई, क्या क्या ही गाड़ी है यार। ओ नैना लागे ओ लागे। अभी यार आज तो सामा भाई पर मैं जा रहा हूँ वापसी घर। हाँ यार असल में बड़े भाई की तबीयत खराब है, उनका एक्सीडेंट हो गया ना बड़े भाई का। अच्छा सीधा आसन, सीधा आसन। बड़े भाई का तबीयत खराब हो गया यार, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वापसी कब की है? दुआ करिएगा कि जल्द से जल्द हो जाए, ठीक हो जाए, तो इसलिए मैं वापसी जा रहा हूँ यार। आ जाऊंगा इंशाल्लाह 2-4 दिन में, या 1-2 दिन में आ जाऊंगा मैं वापस। और कजन की शादी भी, क्या पता उसकी शादी भी अटेंड कर लूँ, सिस्टर की है। आ जाएंगे यार वापस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और हम फाइनली एयरपोर्ट पर आ गए हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं कराची वापस जा रहे हैं यार, भाई की भी तबीयत ख़राब है और मेरी सिस्टर जो है, मेरी कज़न है सही, तो उनकी शादी भी चल रही है, तो इस वजह से मैं कराची वापस जा रहा हूँ। दो वजूहत हैं, एक तो मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया कार से, तो आप लोग दुआ करिएगा भाई के लिए, और दूसरा कदम शादी। और एयरपोर्ट पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, ठीक है, फ्लाई दुबई से मेरी फ्लाइट है,
फ्लाई दुबई का काउंटर ये रहा। अरे यार थोड़ा अच्छा मोबाइल नहीं है ना, बस आप लोग यार आप घर को सपोर्ट करो तो एक मोबाइल ले लो यार, सपोर्ट कर दो मोबाइल ले लेंगे यार, मोबाइल ले लेंगे। और देखो यार कितना अच्छा एयरपोर्ट है, मजे का एयरपोर्ट है फुल। गेट से क्लियर होंगे फिर इमिग्रेशन करेंगे और इमिग्रेशन हमारी जी हो जाएगी जी, हमारे से दो आँखें हम दिखाएंगे और हमारी इमिग्रेशन होगी, इमिग्रेशन होगी फिर वहाँ पे जाएंगे गेट के पास बैठेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे यार और क्या करेंगे। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं, बैठते हैं। एक हमारे दोस्त हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो उनको इतना आने जाने का पता नहीं है, तो उनको मैं अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ, तो उनको वो आते हैं तो फिर हम साथ ही जाएंगे। और फिर ये कि वहाँ पे जब इमिग्रेशन वगैरह मेरी क्लियर हो जाएगी, गेट पे पहुँच जाऊँगा तो फिर मैं मिलूँगा। ठीक है यार, लाइक शेयर सपोर्ट कर दिया करो यार भाई को, यार इतनी मेहनत से व्लॉग बना रहा होता हूँ और आप लोग मेरे को यार बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं कर रहे, बस मेरे तीसरे दिन का ईद का व्लॉग आया उस पर ही सपोर्ट करा आप लोगों ने मुझे। और ये बताओ दुबई एयरपोर्ट कैसा है यार? देखो दुबई में ना रोलेक्स, ये देखो रोलेक्स की वॉच भी लगी हुई है। छोड़ो खैर, हम लोग हाथों में पहन नहीं सकते यहाँ पे, तो दुबई वालों ने यार बताओ एयरपोर्ट पे ही रोलेक्स की वॉच लगाई हुई है यार। भाई की फिट फिट कैसी लग रही है, शूज़ वगैरह कैसे लग रहे हैं? सही लग रहे हैं यार, दुबई से ही शॉपिंग करनी थी आप लोगों को पता है यार। और मैंने बताया था शूज़ दिखाऊंगा तो देख लो यार शूज़ देख लो भाई कैसे लग रहे शूज़, सही है यार। अभी सस्ते लोग हैं भाई, सस्ते शूज नहीं है, बस ये कि दिखने में अच्छे हैं, क्वालिटी में है नहीं है यार। और शर्ट वगैरह भी लिए, तो यहाँ पे एक लेडीज है ये ग्रीन सूट पहनी हुई है, हमें देख के ना हंस रही हैं यार। जब कोई मुझे देख के हंसता है ना तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो डाउन हो जाता है यार। तो मुझे यार कमेंट्स में बताओ कॉन्फिडेंस के लिए क्या करूँ यार, क्या करूँ, इसमें कुछ बगड़ गई जो मुझे कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता यार। मुझे देख के हंसता है ना और मुझे बोर्ड से देखता है तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है यार, बहुत डाउन हो जाता है। फाइनली हमारी बोर्डिंग वगैरह हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं गेट पे, इमिग्रेशन हमारी, अब हम गेट क्लियर करेंगे फिर इमिग्रेशन होगी। अभी हमारा यहाँ पे बोर्डिंग पास चेक होगा गेट के पास, फिर हम अंदर जाएंगे फिर इमिग्रेशन हमारी होगी। भाई एयरपोर्ट देखो कैसा वीआईपी एयरपोर्ट है, यहाँ पे हमारी इमिग्रेशन वगैरह तो हो गई है और अब हम अंदर जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम पासपोर्ट वगैरह चेक कराएंगे, पासपोर्ट वगैरह चेक करा कर फिर हम अंदर चले जाएंगे। ये सीन है भाई, सारे सीन एट योर सर्विस। अब हम अंदर जाने लगे, फाइनली एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं, ड्यूटी फ्री आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारा है ड्यूटी फ्री। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ परफ्यूम्स वगैरह। देखा अरबी लिबास है ये लेडीज़ का, परफ्यूम चेक करें ओरिजिनल ऊद है। तो ये हमारे भाई हैं और आ गए हैं भाई, ठीक हो, मुश्किल तो नहीं आने में? ये फैंसी आइटम है डेकोरेशन का, बंदा अपने घर में डेकोरेट वगैरह कर ले, पिनट्स वगैरह चॉकलेट्स वगैरह लगी हुई है और ये परफ्यूम्स वगैरह लगे हुए हैं, चैनल गुची इंडोर डियोर डियोर लैंडकम टॉम फोर्ड, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगे हुए यार वीआईपी। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, बेहतरीन की चीज़ें दिखाता हूँ, परफ्यूम वगैरह लगे हुए जैसे कि, और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। एक से एक ड्रिंक लगी हुई है, एक से एक ड्रिंक लगी हुई है, कौन सी पीनी है किसको पीनी है ये बताओ, एक से एक ड्रिंक लगी हुई है, मुझे इनके नाम भी नहीं पता। आईफोन रखे हुए एसेसरीज, यानी कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं, कितने की है यार, 600 धरम, अबे भाई 600 धरम यानी कि लगभग कोई 40-45 हज़ार की है यार, 40-45 हज़ार। ये देखो 13,627। अबे यार भाई ये तो बहुत, यानी ये कंपनी 1.5 लाख रुपये हो गया अराउंड, अराउंड 1.5 लाख हो गया। चलो गेट के पास चलते हैं और वहीं पे बैठते हैं गेट के पास, हमारा गेट नंबर है F10। और ज्वेलरीज वगैरह लगी हुई है गोल्ड,
वॉचेस वगैरह लगी हुई है, बच्चों की लगी हुई वॉचेस। केएफसी भाई, केएफसी भी लगा हुआ है, फास्ट ब्रेक कॉफी, और मैंने आपको बोला था स्मोकिंग लॉन्ज दिखाऊंगा, तो स्मोकिंग लॉन्ज यहां पे दिखाता हूं, मैकडॉनल्ड और केएफसी दिखा देते हैं, यहां पे स्मोकिंग लॉन्ज है जैसे लोग यहां पे बैठ के खाना पीना कर रहे हैं भाई। अच्छा ये देखें, ये है फ्लाई दुबई का बिजनेस लाउंज, और मुझे बिजनेस लाउंज जो है वो एमिरेट्स वाले देते हैं, ठीक है। अब ये आइए देखो, ये आइए स्मोकिंग लाउंज, स्मोकिंग लाउंज में बैठे हुए हैं लोग, अपनी अपनी सिगरेटें फूंक रहे हैं, और हम भी, और जो हमारा दोस्त है वो वॉशरूम गए हुए, इसका मोबाइल ये पड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे बैठा हुआ मैंने वाला आप लोगों को दिखा देता हूँ। कॉलिंग हो गई है, कॉलिंग हो गई है हमारी, गेट नंबर ये देखो कराची, लोग लाइन में लग गए हैं और लंबी लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा, ये देखो लंबी है। मैं तो दूसरी बस में, सेकंड बस में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे समझा, सेकंड बस में जाएंगे, अभी बहुत रश है, अभी बहुत रश है भाई, अभी बहुत रश है, तो हम सेकंड बस में जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे लग रहा है उमरे वाले हाजी सारे सारे हाजी वगैरह बैठे हैं भाई। ठीक है जहाज में मिलेंगे भाई। फाइनली हम लोग बस से बाहर निकल के आ गए हैं और हम अब जहाज में बैठेंगे, फाइनली जहाज में बैठेंगे। एक दूसरी बस ये खड़ी हुई, हमारा जहाज ये रहा फ्लाई दुबई, तरीके से जा रहे हैं पाकिस्तान, फाइनली पाकिस्तान आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब बहुत अच्छा लगा है तो अच्छा लगा है यार। दुबई एयरपोर्ट, वो सामने दुबई का कार्गो है और ये जहाज ही जहाज खड़े हुए, मज़ा ही मज़ा आ गया अब जहाज में बैठने का, और आंटी जहाज में बैठ गई है, आंटी मुझे जहाज में बैठ के देख रही है। चुके हैं जहाज के हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरा भाई, जैसे हम कहीं लालू फेरिया सब्जी मंडी में घूम रहे हैं, और ऐसा लग रहा है W11 की बसें नहीं होती उसमें खड़े हुए हों, बस फ़र्क ये कि जहाज़ की, जहाज़ का W11 ही है, बस फ़र्क ये, वो हकीकत में W11 होते हैं, जहाज़ का W11 है, इतना सा फर्क। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम जहाज़ में आ चुके हैं और जहाज़ में आकर बैठ चुके हैं, एक छोटा सा आप लोगों के लिए सरप्राइज है, और फर्स्ट टाइम मैं किसी से मिल रहा हूँ, आप ये समझ लें छोटा सा मीटअप समझ लें, और वो ब्लॉगर है, डेली ब्लॉग्स करते हैं आप, डेली ब्लॉगर है, तो आप मिले कैसे फुरकान में लगा तो आप अपने चैनल का नाम बता दें। मेरे चैनल को फुरकान शेयर नाम है, जैसे मैंने आप लोगों से मिलवाया, मुझे भी नहीं पता था फुरकान भाई ब्लॉगर है, वो तो बस हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत करी तो आपस में पता लगा फुरकान भाई मुझसे बड़े ब्लॉगर है। तो जहाज में अभी रश हो रहा है, और फुरकान भाई क्या हाल चाल है आपके, दुबई कैसा लगा आपको? तो दुबई आपने फर्स्ट टाइम विजिट करा है? नहीं, आते रहते हैं। दूसरा आप दो दफ़ा आ चुके हैं? अच्छा दो दफ़ा आ चुके हैं। तो फुरकान भाई तो दो दफ़ा आ चुके हैं और मैं तो आना जाना करते ही रहता हूँ, आप लोगों को पता है, और अभी दोस्त जो है वो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, उसकी सीट नंबर 29 है और हमारी सीट नंबर है 27, और साथ साथ चलते रह रहे हैं हमारे साथ, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और फुरकान भाई को भी हमारी तरफ से सपोर्ट करें, हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है, 100 सब्सक्राइबर हैं, और फुरकान भाई के 5,000 है, तो फुरकान भाई के 5,000 है, ऑलमोस्ट इनका चैनल है मोनेटाइज हो चुका है, और बाहर का कुछ व्यू ऐसे आ रहा है, आ जाओ इधर भाई, बाहर का व्यू आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई चल रही है मेरे ख्याल से, और फिर मिलते हैं, अभी मील आएगी हमारी, थोड़ी देर में आप लोगों से हम मिलते हैं। फाइनली
हवाई जहाज लैंड होने वाले हैं और जैसे कि आप लोग दिख रहा है ये और ये फाइनली हो गया जहाज लैंड। फ्लाई दुबई का जहाज लैंड हो चुका है और आवाज़ आप लोगों को आज होगी फ्लाई दुबई के जहाज की, इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं और यही जहाज अगर एमिरेट्स का होता तो इतनी आवाज़ें नहीं आती। तो कौन से हम लोग जाते वही ना करोला और मर्सिडीज में जैसे फ़र्क है और BMW और बुगाटी में फ़र्क है, तो ऐसी फ्लाई दुबई भी आई है एयर और एमिरेट्स का जो फ़र्क है। तो अब जहाज से उतरेंगे फिर एमिग्रेशन कराएंगे, फिर एमिग्रेशन करा कर हम जाएंगे बेल्ट पर और बेल्ट पर जाकर हम सामान लेंगे, सामान लेकर बाहर निकलेंगे और बाहर जाकर आप लोगों से मैं मिलूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, हम लोग बाहर निकल गए, फाइनली जहाज से बाहर निकल आए हैं। कामरान भाई व्लॉग शूट नहीं कर रहे आप? अपना कामरान भाई अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ और नीचे एमिग्रेशन क्लियर करेंगे, नीचे जाएंगे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अब नीचे चलते हैं भाई, इमिग्रेशन क्लियर कराएंगे। ठीक है, नीचे कोविड टेस्ट हो रहे होंगे। हाँ तो गाइस हम लोग घर पे फाइनली आ चुके हैं। बात कुछ ऐसी है और सीन कुछ ऐसा है कि भाई रात में हो गई थी देर, ठीक है, घर आने में लेट हो गया था मैं, तो इसी वजह से हम लोग को ने मैंने रात में ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी सुबह उठ कर रहा हूँ, सुबह उठ के शूट कर रहा हूँ, तो नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है। तो कब अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाजमी बेल आइकन को दबा दिया ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी माशाल्लाह हमारी जो बहनें हैं उनकी शादी हो रही है, क्या पता मैं ब्लॉग बना लूँ उधर, लेकिन मैं भी नहीं बना सकता। और आप लोग एक चीज़ बताना भूल गया, हमें मिले थे फुरकान भाई ब्लॉगर, ठीक है, तो उनको भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। वैसे तो वो उनके फॉलोअर्स मुझसे ज़्यादा ही हैं, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझसे बड़े यूट्यूबर हैं। अल्लाह ने चाहा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो हम भी उनकी पोजिशन पर एक ना एक दिन आएँगे इंशाल्लाह। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।